हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। तो आज का हमारा टॉपिक है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर लिटरेसी में क्या क्या पढ़ा था, कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। तो डेटा मैंने आपको क्या बताया था कि डेटा हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं और इंफॉर्मेशन क्या होती है, मीनिंगफुल डेटा होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिया था कि क्लास में हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों का नाम ये है, रोल नंबर ये है, लेकिन जब तक हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हमें प्रॉपर समराइज डेटा नहीं मिल पाएगा। तो डेटा रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, और जब हमने उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया तो उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल डेटा, एक मीनिंग में कन्वर्ट कर दिया। जैसे एग्जाम्पल लिया था ना कि मोहन और उसका रोल नंबर मान लो 198 और उसका ग्रेड है A, तो इंफॉर्मेशन क्या होगी कि एक एक्सेल शीट में मैंने पूरी क्लास का डेटा बनाया था और मोहन को अब मैं क्या कर सकती हूँ एक्सेल शीट में कि मोहन इज अ बॉय हुज रोल नंबर इज 198 एंड ही गॉट ग्रेड A, तो ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी। तो इस पूरे प्रोसेस को, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का जो प्रोसेस है वो किसकी हेल्प से होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल की हेल्प से। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें पहले कुछ ना कुछ इनपुट देना होगा, फिर वो इनपुट हमारा प्रोसेस होगा और फिर जाके हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये पूरा कैसे होता है प्रोसीजर मैं तुमको बताती हूँ। हमारे पास इनपुट यूनिट होती है। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है, इनपुट यूनिट का काम होता है डेटा को एक्सेप्ट करना एंड रीड करना। जैसे जितने भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, वो ही इनपुट यूनिट को मिलके बनाते हैं। मतलब इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे कौन से डिवाइसेस आते हैं, हमारे स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, टच पैनल, टच पैड, डिजिटल पेन्स, ये सारे हमारे एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइसेस के। इनकी हेल्प से हमने क्या किया, कोई भी इनपुट दिया। जैसे यही वाला एग्जाम्पल था कि मेरे को पूरी क्लास का डेटा समराइज करना, तो ऑब्वियसली मेरे को माउस से क्या करना पड़ेगा, पहले सिस्टम ऑन हुआ, उसके बाद अगर मेरे को एक्सेल में ही काम करना है तो मेरे को एक्सेल शीट ओपन करनी पड़ेगी। तो ओपन करने के लिए या तो कोई मैं शॉर्टकट की यूज करूंगी कीबोर्ड से, या फिर क्या करूंगी माउस से क्लिक करके उसको ओपन करूंगी। तो मेरे को कुछ ना कुछ जो है इनपुट देना पड़ेगा। जब मैं डबल क्लिक करके एक्सेल शीट को ओपन करूंगी तो प्रोसेसर के पास इनिशियली मैंने इनपुट दिया और फिर वो कमांड प्रोसेसर के पास गई, तो प्रोसेसर को समझ में आया, उसने प्रोसेस किया कि एक्चुअली जो है वो यूजर चाहता क्या है। तो यूजर चाहता है कि एक्सेल शीट ओपन हो, तो उसने प्रोसेस किया और फिर जाके हमारी एक्सेल शीट ओपन हुई। समझ में आया। तो इनपुट यूनिट का काम क्या होता है कि वो डेटा को एक्सेप्ट करता है और रीड करता है, और क्या करता है वो कि जो भी हमने डेटा दिया है, यूजर ने जो डेटा दिया है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। इसका क्या मतलब है, जनरली हम तो क्या करते हैं कि कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर देते हैं, जैसे मैंने की प्रेस की A, लेकिन क्या कंप्यूटर को A समझ में आता है, नहीं। कंप्यूटर को A, B, C, D ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, और बाइनरी लैंग्वेज किसकी फॉर्म में होती है, जीरो और वन की फॉर्म में। कंप्यूटर में हमारे सिग्नल्स ही तो ट्रांसफर होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो सिग्नल कौन से होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, और डिजिटल सिग्नल में या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है, मतलब या तो वोल्टेज हाई होगी या फिर कम होगी, कोई बीच का पॉइंट नहीं होता है। तो इसीलिए कंप्यूटर को जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज में समझ में आता है, जो जीरो और वन की फॉर्म में होता है। जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन, ठीक है। तो हमने तो ए प्रेस किया, लेकिन उस ए को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट जो करता है वो कौन करता है, इनपुट यूनिट। अभी कैसे होता है कन्वर्जन, कीबोर्ड तुमने देखा है, कीबोर्ड पे क्या होती है, कीज होती है, कीज के नीचे कुछ लेयर्स होती है। तो जैसे ही मैंने ए प्रेस किया, उन लेयर से सिग्नल ट्रांसफर हुआ
और कीबोर्ड के अंदर एक पीसीबी होती है। कल पिछली क्लास में मैंने पीसीबी के बारे में भी बताया था। उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के पास जो है तुम्हारा सिग्नल गया, उसने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी की प्रेस हुई और वो सिग्नल फिर जो है फर्दर ट्रांसफर कर दिया सीपीयू के पास कि मेरे को ए एंटर करना है एक्सेल शीट में। समझ गए? तो इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? तो इनपुट यूनिट का काम होता है कि वो डेटा को एक्सेप्ट करता है या फिर रीड करता है, जो भी यूजर इंस्ट्रक्शन देता है उसको वो रीड करता है, उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में। मतलब कंप्यूटर को जिस लैंग्वेज में डेटा चाहिए, ह्यूमन या फिर यूजर को, यूजर कौन है? हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं। यूजर ने कोई भी की प्रेस की, उसको ये कन्वर्ट करेगा किस में? बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज बोलो या बाइनरी लैंग्वेज बोलो, मतलब जीरो और वन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये जो कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको ट्रांसफर कर देता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो ये इनपुट यूनिट का काम था। जो भी डेटा इनपुट यूनिट से फर्दर पास ऑन हुआ सीपीयू के पास, तो सीपीयू का काम क्या होता है? सबसे पहले तो तुम्हें पता होगा कि सीपीयू को जो है हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, राइट? तो और सीपीयू का काम क्या होता है? सीपीयू का काम होता है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना कि क्या काम बोला गया है या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, उसको एग्जीक्यूशन का काम कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं और इसका काम क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसके जनरली दो पार्ट्स होते हैं, ALU और CU। मतलब जो हमारा प्रोसेसर है वो दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, ALU और CU। ALU क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और CU क्या है? कंट्रोल यूनिट। अब जो भी इंस्ट्रक्शंस CPU के पास आई तो वो भेजता है कंट्रोल यूनिट के पास। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि इंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रायोरिटी पे है। जैसे मैंने माउस से बहुत बार ही क्लिक किया, एक्सेल शीट भी ओपन कर ली और मेरे को इंटरनेट पे गाने भी सुनने हैं, तो वो ये देखता है कि किसकी प्रायोरिटी पहले है, कौन सा काम मुझे जल्दी करवाना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी फ्लो कंट्रोल या फिर जो भी कंट्रोल मैकेनिज्म्स होते हैं वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। और अगर कोई लॉजिकल या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन या फिर लॉजिकल डिसीजन ट्रू फॉल्स नॉट और ये सारे ऑपरेशन अगर करवाने हैं, तो वो डेटा किसके पास जाएगा? ALU के पास जाएगा और वो इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि CPU का जो है मेन काम क्या है, इंस्ट्रक्शंस। देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि जैसे तुमने फ्लो चार्ट में देखा था कि इनपुट यूनिट से डेटा जाता है सीपीयू के पास, और सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, ALU और CU। तो कंट्रोल यूनिट चेक करती है कि जो अगर नॉर्मल ऑपरेशन है उसका एग्जीक्यूशन, और अगर लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो वो ALU के पास फॉरवर्ड हो जाता है। अब देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं एक्सेल शीट ही बना रही हूँ, तो मैंने माउस से क्या किया, एक्सेल शीट को ओपन किया, फिर कीबोर्ड से कुछ डेटा मैं एंटर कर रही हूँ, है ना। अब मैं उसी एक्सेल शीट में चाहती हूँ कि मेरी कोई पुरानी एक्सेल शीट पड़ी है और उससे मुझे डेटा जो है अपनी इस करंट एक्सेल शीट में पेस्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सीपीयू से ही अटैच्ड होती है हमारी मेमोरी, और वो एक्सेल शीट हमारी कहाँ पे सेव होगी? हमारी मेमोरी से। तो उस एक्सेल शीट का डेटा अगर मुझे अपनी न्यू वाली एक्सेल शीट में पेस्ट करना है तो मेरे को मेमोरी के पास जाना पड़ेगा, यहाँ से मैं उस फाइल को उठाऊंगी या ओपन करूंगी और फिर जाके उसमें पेस्ट करूंगी। तो अभी तक क्या प्रोसेस हुआ कि मैंने इनपुट दिया था, इनपुट दे के मैंने एक्सेल शीट में डेटा एंटर किया, ठीक है। तो जैसे ही सीपीयू उसको प्रोसेस करने लगा, फिर मैं कॉपी पेस्ट भी करने लगी, तो मैंने एंटर किया इनपुट यूनिट की हेल्प से, फिर वो कमांड किसके पास गई? सीपीयू के पास, के एंटर करने के लिए बोल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ पुरानी फाइल से कॉपी पेस्ट करना,
तो वो किसके पास गया? सीपीयू के इस काम के लिए मुझे मेमोरी में से डेटा उठाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो किसके पास गया? मेमोरी के पास गया, चेक किया, वो फाइल मिल गई और फिर जाके वो पेस्टिंग हो गई। ठीक है, तो अभी तक हमने ये बात देखी। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि सीपीयू में जनरली दो पार्ट्स होते हैं, एएलयू और सीयू। उनका फंक्शनैलिटी भी मैंने तुम्हें अभी बताई है। अब बात करते हैं मेन मेमोरी की। अगर हम यूजर की बात करें तो यूजर या फिर मैं, मेरे पास जो भी मेरी मेमोरी है वो काफी लॉन्ग टाइम तक मेरे दिमाग में रहती है। लेकिन कंप्यूटर की जो मेमोरी है, मेन मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है। तो जैसे मान लो ये मेरा एक कैबिनेट है, कैबिनेट समझते हो? कैबिनेट मतलब जो तुम्हें कंप्यूटर केस बाहर से दिखाई देता है, ठीक है? तो कंप्यूटर केस के अंदर यहाँ पे बाउंड्री पे जो है हमारे इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से मैंने कोई इनपुट दिया, वो किसके पास जाएगा? प्रोसेसर के पास जाएगा। प्रोसेसर अगर तुमने देखा हो तो बहुत ही छोटा होता है। ये एंटायर कैबिनेट के अंदर एक छोटी सी जो आईसी होती है, इतनी छोटी भी नहीं होती, लेकिन एक आईसी होती है जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं। जब मैं तुम्हें आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स बताऊंगी तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी भी प्रोसेसर कैसा होता है। तो वो उसके पास गया, प्रोसेसर के पास। अगर हमें किसी पुरानी फाइल से डेटा लेना है तो प्रोसेसर रिक्वेस्ट करेगा रैम को, रैम में उस डेटा को चेक करेगा, जिसको हम मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी भी बोल रहे हैं, राइट? तो रैम में अगर वो डेटा मिल जाता है तो वो प्रोसेसर के पास आता है और फिर जाके वो हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया। अगर हमें कुछ परमानेंटली स्टोर करवाना है, डिटेल में ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगी तुम्हें, परमानेंटली अगर कुछ स्टोर करवाना है तो हमें एक सेकेंडरी स्टोरेज यूज करनी पड़ती है। और वो सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो सकती है? हमारी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब हमारे क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो मेन मेमोरी या फिर मेमोरी का काम किस पर्पस के लिए होता है? स्टोरेज के लिए होता है। जनरली अगर मेरी पूरी एक्सेल शीट कंप्लीट हो गई है तो जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगी वो मेरी परमानेंट स्टोरेज में चली जाएगी। और जब तक मेरा टेम्परेरी काम कर रहा है, टेम्परेरी डेटा कहां पर स्टोर रहता है? रैम में स्टोर रहता है। चाहे वो स्टोरेज टेम्परेरी हो या फिर इंटरमीडिएट, मतलब कोई बीच का रिजल्ट मुझे स्टोर करना है, या फाइनल रिजल्ट अगर मुझे स्टोर करना है तो मुझे मेमोरी का यूज करना पड़ता है। अब जो मेरी एक्सेल शीट तैयार हो गई है मैं उसका ही प्रिंटआउट निकालना चाहती हूँ, तो मैं उसका प्रिंटआउट निकालने के लिए या फिर कंप्लीट होने के बाद जो मुझे डिस्प्ले पर दिख रहा है तो वो कहाँ पर दिखता है? आउटपुट यूनिट पर। तो ये आउटपुट यूनिट में जनरली हमारे कौन से डिवाइसेस आते हैं? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है, राइट? तो जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था कि मैंने एक एक्सेल शीट बनानी है, उसमें मैंने सारा डेटा भी एंटर करवाया और लास्ट में जो मुझे कंप्लीट आउटपुट मिला वो एक प्रिंटआउट की हेल्प से मिला। आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है कि जो भी रिजल्ट हमारे पास प्रोसेस होके आया है उसको आउटपुट यूनिट क्या करती है? डिस्प्ले करती है, या फिर अगर हमें किसी भी चीज का प्रिंटआउट चाहिए तो जनरली जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, मान लीजिए कोई आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है तो वो आउटपुट क्या आपको आपकी लैंग्वेज में दिखाई देता है ना, जैसा ह्यूमन चाहता है? ऐसा तो नहीं होता कि आपको वो 0-1 या 0 की फॉर्म में दिखाई देगा। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है कि जो भी कंप्यूटर ने रिजल्ट दिया प्रोसेसिंग के बाद उसको चेंज कर देगा यूजर की फॉर्म में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, और तब जाके जो है रिजल्ट को शो करेगा। तो ये आउटपुट यूनिट का काम। तो आई होप कि तुमको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में कैसे इनपुट जाता है, फिर वो कैसे प्रोसेस होता है और कैसे हमें आउटपुट मिलता है। तो एक और बार अगर हम रिवाइज करें तो इनपुट यूनिट यानी इनपुट डिवाइसेस से हमने कोई भी इनपुट दिया, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि कीबोर्ड मेरा इनपुट डिवाइस है,
फिर वो जाके प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर ने कीबोर्ड से हमने जो भी एंटर किया उसको सीपीयू ने क्या किया, प्रोसेस किया, और अगर कोई इंटरमीडिएट डेटा मुझे चाहिए तो मैं मेमोरी की हेल्प लूंगी, और अगर नहीं चाहिए तो फर्दर वो मेरा किसके पास जाएगा, आउटपुट यूनिट के पास जाएगा। इनपुट यूनिट इसको कन्वर्ट कर देगा यूजर से बाइनरी लैंग्वेज में, फिर वो जाएगा प्रोसेसर के पास, यहाँ पे पूरा बाइनरी में प्रोसेसिंग होगी, और फर्दर जो ये बाइनरी आउटपुट था ये जाएगा आउटपुट यूनिट के पास, और ये इसको पहले यूजर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर जाके उसको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, तभी हमें आउटपुट नजर आएगा। जनरली हम जब कंप्यूटर पे देखते हैं कि कोई भी डायलॉग बॉक्स या कोई भी डेटा जो हमारा एंटर होता है वो जो हम चाहते हैं इंग्लिश में ही हमको दिखाई देता है, जीरो या वन के फॉर्म में नहीं दिखाई देता। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इन सारी टर्म्स के बारे में। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा और कुछ समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्किल। थैंक यू।